क्यों बाबू जात हो, वापस कब आई वो? अबे अभी ठीक से बाहर निकला नहीं कि तू वापस आने की बात कर रहा है। ओहो, तेरा नंबर, अपना लकी नंबर। हवलदार जी आज तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। ठक से। अच्छा अब जल्दी से दूसरा तेरा नंबर बता दे। अरे साहब वो तेरा नंबर का तो मेरे को मालूम है, वो तेरा नंबर में डॉक्टर पांडे रहते हैं। होमो 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 पैथी होम्योपैथी क्या? मैं क्या डॉक्टर नहीं हजाम हूँ? अरे जरा धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, हजामों ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा मानेंगे। देखो जी तुम आजकल बहुत ज्यादा बोल रही हो, तुम क्या जानो हम क्या हैं? हम जहाँ से गुजरते हैं लोग हमारे पैरों पड़ते हैं। देखा हमारी शान। कौन हो भाई, उठो भी तो, उठो। कौन हो तुम? चाचा जी। चाचा जी घर में कोई बीमार है? चाची जी प्रणाम। अरे छोड़ना, अरे क्या कर रहा है, छोड़ना नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी, छोड़। पहचानिए तो कौन हूं मैं? ए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अजी तुम जानती हो इसे? अरे तुम्हारी तो हजारों गुंडे मवालियों से दोस्ती है, मैं किस किस को पहचानती फिरूं? तुम ही बोलो भाई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं बताता हूँ। चाचा जी आपको ये तो याद है कि आप किस गांव के रहने वाले हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे बड़ा अच्छा सा नाम था, क्या नाम था? हाँ रामपुर, रामपुर। अरे बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? रामपुर नहीं लक्ष्मणपुर। लक्ष्मण चाची, ओ लक्ष्मण चाची, राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, तो लक्ष्मणपुर और रामपुर में क्या फर्क है, एक ही तो बात है, क्यों चाचा जी? बिल्कुल। अच्छा चाचा जी आप ये बताइए, आपके घर के दाएं बाजू किसका मकान था? दाएं बाजू किसका मकान जी? अरे दाएं बाजू किसी का मकान था ही नहीं, घोड़े का अस्तबल था, ये कोई चोर चक्का मालूम होता है। चाची मैं तो जरा सस्पेंस मार रहा था, नाक सीधे तरीके से मुझे पकड़ी नहीं जाती। बाएं बाजू किसका था? बाएं बाजू किसी का मकान नहीं, पीछे किसका था? रामदास। तो रामदास का ही तो बेटा हूं मैं। चाचा जी पिताजी ने कहा था कि शहर आते ही सीधे आपसे मिलूं। रामदास का बेटा है तू, कितना बड़ा हो गया है। मगर रामदास को तो कोई औलाद थी ही नहीं। अरे हाँ खामखा रुला दिया यार। चाचा जी मैं उनके भाई जमुना दास के बेटा हूँ। रामदास जी ने मुझे गोद लिया था। चाची तुम्हें याद नहीं, जब पिताजी की तबीयत खराब थी उन्हें ब्रेन मल्सर था और हर डॉक्टर ने इनकार कर दिया था, तब चाचा जी ने दो खुराक मीठी मीठी गोली देके उन्हें ठीक किया था। देखा, और तुम मुझे डॉक्टर मानती ही नहीं। क्या कहा? डॉक्टर नहीं मानती? ओहो चाची हिंदुस्तान में अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाचा जी है। आप डॉक्टरी की कोई भी किताब उठा लीजिए, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक इनका नाम इनका फोटो छाया हुआ है। किसी भी अस्पताल चले जाइए, हर नर्स हर डॉक्टर इनकी नाम की माला जपते। और चाची मैंने तो ये भी सुना है कि सरकार इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली है। सुन लिया तुमने, मुझे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अरे श्रद्धांजलि मुर्दों को अर्पित की जाती है, समझे? अभी देखता हूं, अभी देखता हूं। क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं, बेहोश हो गया। अरे तो जल्दी से डॉक्टर बुलाओ ना। मेरे जीते जी इस घर में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। हाय राम, ये तो खांसी की दवाई है। अरे कैलकेरिया फॉल सिर्फ खांसी में नहीं, बहुत सी बीमारियों में दी जाती है। मगर तुम चुप रहो, जाओ जाकर सो जाओ, इसको रात भर आराम करने दो, मेरी दवाई से सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर रात में कहीं मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? अरे सुनो तो, क्या करें, भूख बहुत लगी है। दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पी ले।
ये है मेरी दवा का कमाल। चाचा जी। क्यों बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दवा ने मेरे बिल्कुल अच्छा बना। अच्छा, जल्दी से तैयार हो लो, नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। अजी सुनते हो? क्या हुआ? चाय कैसे बनाऊं? क्यों? पतीले में दूध तो है ही नहीं। कहीं तुमने पी तो नहीं लिया? मैंने? हाँ। अरे तुमसे शादी के बाद पानी तो हलक से उतरता नहीं, दूध कहाँ से पीऊं? फिर वही बात। इस रुच्चे ने पिया होगा। अच्छी, मैं कैसे पीता, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। फिर मैंने ही कहीं रख दिया होगा। हाँ देखो, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? लगता तो नहीं पर हो भी सकता है। लगता तो नहीं पर हो भी सकता है। क्या बड़बड़ कर रहे हो? चाचा क्या बताऊं, कल यहाँ आते आते किसी ने मेरी जेब मार ली। जेब मार ली? कितने रुपए थे? अब रहने दीजिए ना। अरे रहने क्या दे, तुम्हारे चाचा के होते हुए फिक्र किस बात की? ये लो 50 रुपए रखो। नहीं चाची। अरे रखो ना, काम आएगा, रखो रखो। अच्छा चाची, आप कहते हैं। हाँ, तो रख लेता हूँ। हाँ, ये 20 क्यों? ये मेरा असूल है चाची। क्या? चाची आज तक मैंने जिस किसी से भी पैसे लिए ना, हाँ, सिर्फ 20 रुपए लिए। ये क्यों? देखो ना चाची, अगर ज्यादा लूँ तो ऐशिया हो जाएगी। हाँ, और कम लूँ तो महंगा भी पड़वड़ेगा। अरे नटखट।